बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मोहम्मद नमान कयूम, तुसी देखते पए हो गंधारा इनको टीवी। आज दी ताज़ा खबरां, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दी जमानत की तोसी दी दरख्वास्त ते समात आज सुप्रीम कोर्ट ही चोसी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा की सरबराई च त्रै रुकनी बैंक दरख्वास्त समात कर सी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ते बाहर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हों ते किसी भी गैर मुतालिका शख्स नूं इमारत के अंदर जाने की इजाजत ना हो सी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नूं 6 हफ्तियां वास्ते जमानत ते रिहाई मिली है, जिस दी मुद्दत 7 मई नूं खत्म होंदी पई है। रमजान मुबारक 1440 हिजरी का चंद देखने वास्ते मरकजी रूहत लाल कमेटी का इजलास 5 मई बरोजे इतवार ब मुताबिक 2954 मुअज्जम की शाम बवक नमाज मगरिब तलब कर लिया गया है। महकमे मजहबी उमूर के जराए के मुताबिक इजलास की सदारत रूहत लाल कमेटी के मरकजी चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का सुन, जबकि जोनल रूहत लाल कमेटी के इजलास लाहौर कोयटा पिशावर ते इना दे मुकर्र मुकामात ते मुनक्किद किए जा सुन, जिस रमजान मुबारक के चंद की रूहत के हवाले नाल ऐलान किया जा सी। गंदारे हिंको बोर्ड पिशावर ते अंजुमन तरक्की अखबार पिशावर के बहमी इश्तराक नाल हाल ही शाया होने वाली शहजादा तनवीर मुल्क की किताब बोनवान फनून लतीफो और चित्राल की तकरीब पजीराई कल बरोजे हफ्ता 4 मई दोपहर 2 बजे गंदारा इनको अकेडमी के अहमद अली साई आडिटोरियम मुनकिद हो सी। तकरीब इस ख्वास जुबान नाल तालुक रखने वाले मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी के अफराद किताब ते किताब के मौजू के हवाले नाल अपने ख्यालात का इजहार कर सुन। दौरा इंग्लैंड के इब्तदाई मार्के अज पाकिस्तानी हथियार की जांच मुकम्मल हो गई है, जबकि बेशतर तीर निशाने से बैठने नाल मैनेजमेंट ने सुख का साह लिता वे। मेजबान टीम नाल सीरीज ने वर्ल्ड कप की तैयारियां वसे कपल अज वक्त इंग्लैंड पहुंचने वाली पाकिस्तानी टीम फिटनेस ते दीगर मसाइल से पीछा छुड़ाने नाकाम हो गई है। शादाब खान खतरनाक वायरस का शिकार होने की वजह नाल जेरे इलाज हुन। मोहम्मद हफीज हद का कामयाब ऑपरेशन कराने के बाद बहाली फिटनेस वसे कोशा हुन। शोएब मलिक पहला प्रैक्टिस मैच खेलने के बाद निजी मसाइल की वजह नाल 10 दिन की छुट्टी से चले गए। इस दे बावजूद पाकिस्तान ने 3 प्रैक्टिस मैच अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की थी। एहसास पंजाबी फिल्म मौला जट केस एक नवा मोड़ सामने आ गया। फिल्म साज सरवर भट्टी के बाद फिल्म साज चौधरी जमील के पुत्र साइम जमील ने भी मौला जट के फिल्म साज होने का दावा कर लिया। साइम जमील ने फिल्म साज होने का दावा लाहौर प्रेस क्लब अपने वकील अलमास अली ते पाकिस्तान फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी एजाज कामरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। साइम जमील ने किया वे कि मौला जट पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीन फिल्म है ते वो 300 हफ्तियां तक स्क्रीन ते रही। बड़े कुछ अरसे से मौला जट के कापी राइट्स से दीगर मामलात के बारे तनाजियात देखने चाहते पे। इस दी खबर खत्म हुई, नवी खबर हाजिर हो सी। अल्लाह हाफिज। आओ इनको सीखने ई गेम एंड्रॉइड प्ले स्टोर से आसानी डाउनलोड की जा सकती है। प्ले स्टोर सर्च बार से किड्स इनको लर्नर इंस्टॉल करो ते अपने बच्चे इनको सिखाओ।